लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए दुर्गा का स्वरूप निकालकर आवाज बढ़ाइए। मोदी जी दिल्ली में है, उन तक आवाज जानी चाहिए। आसाम में आसाम गण परिषद भाजपा सरकार बन रही है, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग उठाए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आज मैं जिनको जिताने के लिए आया हूं, अतुल भाई आगे आइए जरा, असम गण परिषद भाजपा गठबंधन के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान अतुल बोरा जी, ताली बजाई अतुल भाई के लिए सभी लोग। भूतपूर्व एमपी और भाजपा के वरिष्ठ नेता रमन डेका जी, मिर्जन जी, डॉक्टर तपन दास जी, नवरंग जी, और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं आया हूं दिसपुर में हमारे प्रत्याशी अतुल बोरा जी को जीतने की अपील करने के लिए। मगर मैं यहां आया आज सुबह, मैं टीवी सर्व कर रहा था, यहां पर आजकल कांग्रेस के नेता राहुल बाबा भी पर्यटन पर आए हुए हैं और वो कहते हैं कि असम की पहचान एक काला पहाड़ बद्रुद्दीन अजमल है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बद्रुद्दीन अजमल असम की पहचान हो सकता है क्या? अरे जोर से बोलिए, हो सकता है क्या? और जोर से बोलिए, हो सकता है क्या? ये असम की पहचान माँ कामाख्या का मंदिर हो सकता है, ये असम की पहचान श्रीमंत शंकर देव और माधव देव हो सकते हैं, ये असम की पहचान सरायघाट की घाटी में मुगलों के दांत खट्टे करने वाले लचित बरफुगन हो सकते हैं, इस असम की पहचान राजा पृथ्वी हो सकते हैं जिसने बख्तियार खिलजी को यहां से उल्टे पैर दिल्ली वापस भेजने का काम किया था, वो असम की पहचान हो सकता है। असम की पहचान काजीरंगा का जंगल और हमारा प्रिय प्राणी गेंडा हो सकता है, ये राहुल बाबा कहते हैं। बद्रुद्दीन अजमल को असम की पहचान कहते हैं। अरे राहुल बाबा, आप उल्टे से सीधा हो जाओ, बद्रुद्दीन अहमद को असम की पहचान बनाने के लिए जब तक भारतीय जनता पार्टी है, बद्रुद्दीन असम की पहचान नहीं बन सकता। 5 साल पहले मैं पार्टी का अध्यक्ष था, असम की जनता के बीच में आया था, मैंने कहा था एक मौका भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद को दीजिए, पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, हम असम को आंदोलन मुक्त बनाएंगे। मित्रों मुझे बताओ, 5 साल में कोई आंदोलन हुआ है क्या? जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं पड़ता है, हुआ है क्या? कांग्रेस के शासन में सैकड़ों युवाओं को, असम के युवाओं की छाती में गोलियां डाल दी गई थी। 1983 में मैं भी यहां आया था, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नाते हम नारा लगाते थे, असम की गलियां सुनी है
इंदिरा गांधी खूनी है, ये नारे हम लगाते थे। वो कभी भी आसाम को आंदोलन मुक्त नहीं बनाएंगे। उनका काम है अंदर अंदर लड़ाई लगाना, झगड़ा लगाना। कभी करेंगे आसामी और बंगाली के बीच में झगड़ा लगाना, अपर आसाम और लोअर आसाम के बीच में झगड़ा लगाना, बोडो और नॉन बोडो के बीच में झगड़ा लगाना, ट्राइब और नॉन ट्राइब के बीच में झगड़ा लगाना। ये झगड़ा लगाना, ये राहुल बाबा की पार्टी की पहचान है मित्रों, पहचान है। और आज तक आसाम के अंदर जो विकास नहीं हुआ, इसका कोई एक कारण है कि राहुल बाबा की पार्टी ने कराए हुए झगड़े हैं। 5 साल से आसाम आंदोलन मुक्त हो गया है। इसका कारण है हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मित्रों, आसाम को शांति चाहिए। हमने कहा था आंदोलन मुक्त बनाएंगे, हमने बना दिया। हमने कहा था आसाम को आतंकवाद से मुक्त बनाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, विगत वर्षों में 5,000 से लोग ज्यादा लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। दिग्भ्रमित युवा भी मरा, पुलिस भी मरी और आसाम की जनता भी मरी। जहां आतंकवाद हो वहां विकास हो सकता है? भाई बताओ, जरा जोर से बोलो, हो सकता है? ये 5 साल के अंदर 2,000 से ज्यादा लोगों को शरण में लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और आसाम को आतंकवाद मुक्त बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बोडोलैंड का समझौता कर एक चीरकालीन शांति की शुरुआत, विकास के युग की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने करी। हमने कहा था आसाम को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, युवाएं खड़े हैं, आसाम में घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जोर से बोलो, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? ये घुसपैठ के रहते आसाम की संस्कृति कभी बच नहीं सकती, आसाम की भाषा नहीं बच सकती, आसाम का साहित्य नहीं बच सकता, आसाम का संगीत नहीं बच सकता। ये युवाओं के रोजगार घुसपैठिए छीन कर ले जाते हैं, गरीबों के पेट का अनाज चावल ये घुसपैठिए छीन कर ले जाते हैं। हमने कहा था हम आसाम को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे और हमने घुसपैठ पर नकेल कसी है। अबे राहुल बाबा आ गए हैं, किसके कंधे पर बैठकर आए हैं? ये काला पहाड़ बद्रुद्दीन अजमल के कंधे पर बैठकर आए हैं। मुझे बताओ भाइयों, बहनों, माताओं, बद्रुद्दीन अजमल जिस सरकार में हो वो सरकार घुसपैठ रोक सकती है क्या? जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? ये बद्रुद्दीन अजमल कहते हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी तो चाबी मेरे हाथ में होगी, उनके हाथ में चाबी होगी। अरे दिन में काहे को सपने देखते हो मियां अजमल, काहे सपने देखते हो? आपके हाथ में कोई चाबी आने वाली नहीं है। आसाम की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली है। और ये जो सीमाएं हैं उस पर आपकी नजर है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो सीमा के ताले इसकी चाबी से खोलेंगे, मगर सीमा के ताले की चाबी नरेंद्र मोदी जी के पास दिल्ली में है, आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। मित्रों, एक 5 साल और दे दो हमें, मैं आपको बताता हूं, इंसान छोड़ो परिंदा भी आसाम में पैर न मार पाए, इस तरह की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने 5 साल भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। सर्वानंद सोनवाल और हेमंत विश्व शर्मा ने एक पारदर्शी सरकार चलाई। आज हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते हैं। मित्रों,
ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और मित्रों, मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, हमारे अतुल बोरा को विजयी बनाकर भेज दो, हम बाढ़ मुक्त आसाम भी बनाने का काम करेंगे। बाढ़ मुक्त आसाम, असम की 7.5% भूमि हर बारिश में ब्रह्मपुत्र घसीट कर ले जाती, ऐसा ही चला तो असम के अंदर भूमि खत्म हो जाएगी। मोदी जी ने तय किया है, सैटेलाइट से सर्वे कराए हैं ब्रह्मपुत्र के आसपास कहां कहां सरोवर और तालाब बन सकते हैं, वहां सरोवर और तालाब बनाकर ब्रह्मपुत्र और बाकी नदियों का जल इसके अंदर डालकर बड़े पर्यटन स्थान भी बनेंगे और किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, हमने आसाम के विकास के लिए ढेर सारे काम करे हैं। हमने, प्रधानमंत्री जी ने ब्रह्मपुत्र के पार बोगीबील और भूपेन हजारिका सेतु जैसे 6 ब्रिज बनाने का काम किया है। ब्रह्मपुत्र पर एक और ब्रिज की आधारशिला रखी है जो गुवाहाटी को उत्तरी आसाम के साथ जोड़ेगी और 2608 करोड़ की लागत इसके साथ होगी, जिससे इसका अंतर 1 घंटे से कम हो जाएगा। गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाला यात्री रोपवे भी बनाया गया है, 420 करोड़ रुपए की लागत से मालीगांव और कामाख्या द्वार को जोड़ने वाला गुवाहाटी में सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और एक 5 साल के अंदर आसाम के अंदर 20,000 किलोमीटर का सड़कों का जाला बुनने का काम हमने किया है। भारतमाला योजना के तहत 2190 किलोमीटर की और सड़क बनाने का काम किया है। मित्रों, मुझे एक बार बताइए, मोदी जी आत्मनिर्भर आसाम बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? आत्मनिर्भर आसाम, जिसे आसाम के युवाओं को नौकरी लेने के लिए देश भर में कहीं जाना न पड़े। आत्मनिर्भर आसाम बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? जोर से बोलिए, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? अरे राहुल बाबा, मौलाना निर्भर आसाम बनाना चाहते हैं जो अजमल के भरोसे हो। मित्रों, आपको तय करना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है या मौलाना निर्भर भारत बनाना है, वो आसाम की जनता को तय करना है। मुझे भरोसा है कि हम आत्मनिर्भर आसाम के रास्ते पर जाएंगे। आसाम में जो बांबू होता है वो पूरे देश के कागज की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त, हम यहां पर कागज की एक मिल बंद पड़ी है, उसको हम चालू करेंगे और भी कई मिल लगाकर देश भर में कागज भेजने का काम करेंगे। हम आसाम का फर्टिलाइजर का जो कारखाना बन पड़ा है वो भी 1 साल के अंदर चालू कर भारत सरकार के सहयोग से यहां रोजगारी देंगे। 98 टाउनशिप को स्मार्ट सिटी की दर्ज पर विकास किया जाएगा। 2 लाख युवाओं को युवाओं ताली बजाना, 2 लाख युवाओं को सरकारी और 8 लाख युवाओं को गैर सरकारी नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। जो बच्ची पढ़ते 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 कॉलेज तक पहुंचती है उसको आने जाने में दिक्कत आती, हमने तय किया है कि जो बच्ची कॉलेज तक पहुंचेगी उसको आसाम सरकार मुफ्त में एक स्कूटी देने का काम करेगी, जैसी मेरी बच्चियां पढ़ पाए। माताएं, आप भी ताली बजाइए, वो स्कूटी पर तो कॉलेज तो जाएगी, आपको भी सब्जी और मच्छी लेने के लिए पीछे बिठाकर बाजार में ले जाएगी। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखने वाली है। मित्रों, हम गुवाहाटी को साउथ ईस्ट एशिया की स्टार्टअप कैपिटल बनाना चाहते हैं।
जिससे आसाम के युवा इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहकर विश्व भर के युवाओं के साथ स्पर्धा करकर विश्व भर का धन हमारे आसाम के अंदर ला लाए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी हम लागू करेंगे। हर गांव में बैंकिंग सुविधाएं मुहैया की जाएगी और आसाम खेलों का हब बनेगा। 2038 में एशियाई खेलों की मेजबानी करने का काम गुवाहाटी करेगा। मित्रों, गुवाहाटी करेगा। हिंदुस्तान और ये सारा हमारे घोषणा पत्र में और भी चीजें हैं। और राहुल बाबा का घोषणा पत्र क्या है? बदरुद्दीन अजमल को कंधे पे बिठाकर बॉर्डर के ताले खोलकर घुसपैठ कराना उनका घोषणा पत्र है। मित्रों, मुझे बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर आसाम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? जोर से बोलो भाई। मोदी जी ने सिर्फ अकेले एक बजट के अंदर 53,000 करोड़, 53,000 करोड़, मेरे साथ बोलिए कितना, जोर से बोलो कितना, 53,000 करोड़ रुपए का रोड बनाने का काम इसी बजट में आप लोगों के लिए अप्रूव कर दिया है। मित्रों, इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 पुल बनाए, तेल क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ दिए, गुवाहाटी का हवाई अड्डा नया बन रहा है, जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बन रहा है, टीहू में फूड पार्क बन रहा है, जोगी दोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बन रहा है। हमने शिव सागर में प्रधानमंत्री जी ने 1,00,000 आसाम के गरीब लोगों को जमीन का पट्टा देकर उनको भूमि का मालिक बनाने का काम किया है। गैस की रॉयल्टी का 8,000 करोड़ रुपया दिया है। मित्रों, ये जो नामगढ़ है वो आसाम की पहचान है। श्रीमंत शंकर देव और माधव देव का संदेश, आसाम का संगीत, आसाम का कीर्तन, आसाम का साहित्य इन नामगढ़ के माध्यम से पूरे दुनिया में पहुंचता है। हमने तय किया है कि हम हर नामगढ़ को 2,50,000 रुपया देकर उसको मजबूत करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, नामगढ़ का जितना भी जमीन, जितना भी जमीन घुसपैठियों ने कब्जाया है, वो सारे जमीन को हम 2022 तक खाली कराकर घुसपैठियों को निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, हमने 6 नए मेडिकल कॉलेज लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराखार, तिनसुकिया और नलबाड़ी, 6 नए कॉलेज बनाए और वहां अब आसाम के युवा को डॉक्टर बनने के लिए आसाम के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पर डॉक्टर बन सकता है। और टाटा ग्रुप के साथ मिलकर एक कैंसर का अस्पताल भी बनाया है गुवाहाटी में। अगर भगवान न करे किसी को कैंसर हो जाए तो दिल्ली या कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पर अपना इलाज करा सकता है। हर गरीब को 5,00,000 तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत, और 2022 तक हर गरीब के घर में शुद्ध पीने का पानी भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंचाएगी। मित्रों, मैं इतना ही कहने आया हूं, आसाम का उज्जवल भविष्य आपके हाथ में। माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, मुझे बताइए, मटकी लेते हो, मटकी होती है ना पानी की, जरा बोलो, जरा होती है ना, लेते हैं तो उसको टकोरा लगाते हो ना, पक्की है या कच्ची, लगाते हो या नहीं लगाते हो, चेक करते हो ना। अब 100 रुपये की मटकी लेने के लिए 5 बार टकोरा लगाते हो, आसाम की सरकार बनाते वक्त, बटन दबाते वक्त सही है या नहीं वो देख लेना, विकास करने वाले है या घुसपैठ करने वाले है वो देख लेना, तब जाकर बटन दबाना। मित्रों, मुझे बताइए,
यहां पर एनडीए हाथी के निशान के साथ मैदान में है। अतुल बोरा जी आगे आइए, आप हमारे अतुल बोरा यहां के प्रत्याशी है। सभी लोग हाथी के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे क्या? अतुल बोरा जी को जिताओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? भाजपा गण परिषद सरकार बनाओगे? बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए। कमल के निशान पर बटन दबाओगे? पक्का? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए, मुट्ठी बीजिए, कमल को जिताने का संकल्प लीजिए, अतुल भाई को जिताने का संकल्प लीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय।